शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया में बदलाव लाया जा सकता है और सभी की जिम्मेदारी एक सक्रिय नागरिक होने की है। और नागरिकता केवल अधिकारों के बारे में नहीं बल्कि हमारे समाज और सुंदर बनाने के लिए है, यह कहना है देश के चीफ जस्टिस शरद बोबड़े इनका। राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के 107वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। शनिवार को राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय का 107वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान देश के चीफ जस्टिस शरद बोबड़े मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी जिम्मेदारी एक सक्रिय नागरिक होने की है और नागरिकता केवल अधिकारों के बारे में नहीं बल्कि यह हमारे समाज को और सुंदर बनाने के लिए है। साथ ही उन्होंने शनय पल्था शनय कांथा शनय पर्वत लंघन शनय विद्या शत्रु पित्तम पंचायती शनि शनि इस श्लोक का उदाहरण देते हुए कहा कि पहाड़ों का रूप करना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान सीखना और धन का उत्पादन करना, यह चीजें धीरे धीरे होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्र के लिए सत्य की प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कार्यक्रम में खुद को गौरवान्वित महसूस किया है। राष्ट्रसंत टुकड़ोजी विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा ली है। चीफ जस्टिस बोबड़े ने राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज के कहे अनुसार बताया कि मानवता के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, इसीलिए आप सभी देश में मानवता और एकता बनाए रखने के लिए एक हो जाइए, जो संत टुकड़ोजी महाराज के गीत में बताया गया है। जाति रंग धर्म के विचलन के बिना एकता और लोगों की बात करते हुए और न्यायालय प्रक्रिया में भी ऐसा ही कहा जाता है। चीफ जस्टिस ने शिक्षा पर बात करते हुए कहा कि हमारे सामने एक चुनौती है, कमजोर समूह के लोगों को शिक्षित करना। पहले स्वतंत्र युग में प्राथमिक शिक्षा को सुंदरता के रूप में देखा गया था। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का अधिकार सभी को दिया गया है और शिक्षा अपने लोगों के सशक्तिकरण के लिए एक उपकरण के रूप में काम करेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में चीफ जस्टिस का विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर सिद्धार्थ विनायक काने के हाथों स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया, जिसके बाद कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीहरि चावा को वाणिज्य व व्यवस्थापन शाखा में डीलीट उपाधि चीफ जस्टिस के हाथों प्रदान की गई। साथ ही डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च नागपुर की छात्रा ऐशी खंडेलवाल को सर्वाधिक 7 गोल्ड मेडल चीफ जस्टिस द्वारा प्रदान किए गए। डॉक्टर अंबेडकर विचारधारा विभाग से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले सखाराम मंडपे को 5 गोल्ड मेडल दिए गए। साथ ही सायली भावे, रचना कनुजिया, भारती शास्त्री, माधुरी घुगुस्कर, मृणाल खोबरागड़े ने भी अलग अलग शाखा में गोल्ड मेडल प्राप्त किए। इस दौरान विश्वविद्यालय द्वारा 746 विद्यार्थियों को PhD प्रदान की गई। साथ ही वर्ष 2018 की शीतकालीन और 2019 की ग्रीष्मकालीन परीक्षा में शिक्षा पूरी करने वाले 50,936 विद्यार्थी को ग्रेजुएट व 13,037 विद्यार्थियों को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर सिद्धार्थ विनायक काने, प्रभाग कुलगुरु डॉक्टर विनायक देशपांडे समेत सभी शाखा के अधिष्ठाता और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। इट इज नाउ दैट वन रियलाइजेस द ट्रू मीनिंग व्हाई इट इज कॉल्ड अल्मा मैटर। It is indeed, a university is indeed like a mother. It nourishes its children with knowledge, skills, and protects them throughout their life. On this occasion, let me begin by congratulating all the recipients of the degrees who obviously have now seen the fruits of their labor. This university is named after Sant Tukdoji Maharaj. It is very interesting how Tukdoji Maharaj came to be called Tukdoji Maharaj. He was named Manik Dev. And his guru saw some unusual traits in him. Dikshant Samarambh mein kul 746 padvidhar chhatron ko padvi dekar sammanit kiya gaya. Camera person Rajkumar Mohor ke saath Ekta Gehrwar, INBCN News, Nagpur.